एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रज्ञा। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एमटेक ज्वाइन किया, फिर जॉब की। जॉब इंजीनियरिंग कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर में कर रही थी, लेकिन शुरू से ही मेरा कुछ डेकोरेशन करने का बहुत ही, मतलब आप ऐसे ले लीजिए जैसे कि घर डेकोर करना या फिर डिज़ाइनिंग, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट ज़्यादातर बोल सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन टाइम नहीं मिलता था या फिर कुछ इस तरीके से मैं उसको कभी कर ही नहीं पाई थी। लास्ट 2 ईयर हो गया है, मेरे थोड़ा हेल्थ इशू के कारण और मेरी छोटी सी बच्ची है जो अभी 4 साल की है, उसके वजह से मैंने क्या किया, मतलब उसका देखभाल करना है, फिर मेरा हेल्थ भी इशू हो रहा था, तो मैं सोची कि क्यों ना थोड़ा जॉब से जॉब को छोड़ दें, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा मुझे टाइम भी मिलेगा, बच्ची को भी टाइम दूंगी, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी मैं वन टाइप ऑफ हाउस वाइफ हूँ। चैनल ज़्यादा होम डेकोर के लिए मैंने बनाया है। कैसे आप घर के जो अनयूज्ड प्रोडक्ट है, जो कि हम फेंक देते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग कैसे उसको डेकोर बना सकते हैं, और मार्केट में जो जितने सारे डेकोर मिलते हैं वो इतना मतलब एक्सपेंसिव होता है, आपको मतलब उसको आप सोचोगे जब ख़रीदने जाओगे तो 2-3 बार सोचोगे कि मैं ये लूँ कि ना लूँ। लेकिन आपको अल्टीमेट क्या है, आपका एम आपको घर सजाना है। अगर वही डेकोर आप अनयूज्ड प्रोडक्ट के साथ बना के अपने घर को अगर खूबसूरत कलरफुल बना सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये एक मेरे दिमाग में था। तो क्या हुआ कि हमारे घर में जो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, एक आधा किलो का शायद होगा वॉल पुट्टी, वो बड़ा था। मैं सोची कि इससे हम कुछ बना सकते हैं क्या, तो फिर मैंने स्टार्ट की। यूट्यूब में मैंने सर्च किया, 1-2 चीज़ उससे बनाया, वो 1-2 चीज़ इतना अच्छी तरीके से बना, उसके बाद आप लोग सोचोगे नहीं, मुझे मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि चस्का लग गया, मुझे वो चस्का लग गया बनाने का। फिर मैंने परचेज करके बनाना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी भी किससे क्या चीज़ मैंने बनाया है, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि इससे भी ये वाला डेकोर बन सकता है। मैंने इसी तरीके से मेरा जर्नी स्टार्ट किया। शायद मैं अब तक 1-2 महीने के अंदर मैंने जितना भी मुझे आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसी 1-2 घंटे के टाइम के अंदर मैंने 2-3 महीने के अंदर मैंने 20 तरीके का डिफरेंट होम डेकोर मैंने बना के खुद के घर में ही सजाया हुआ है। तो ये क्या होता है ना कि हम लोगों को एक सुकून भी मिलता है कि हाँ अच्छा, मैं मतलब मेरे हाथों से बनाया हुआ चीज़ यहाँ पे आज मैंने सजाया है। जो लोग बाहर से आते हैं, आपके गेस्ट लोग, वो लोग भी देखेंगे, आपको एक सुकून मिलता है। मतलब टाइम सिर्फ खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, इधर उधर का घर का काम करके आप लोग कभी कभी बोर भी हो जाते हो। वो जो बोरिंगनेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, खुद के सेल्फ प्लेजरमेंट के लिए एक और है, आप लोग बना सकते हैं। एक आइडिया है जो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के तरीके से, चैनल के माध्यम से सारे मेरे जितने व्यूवर हैं उन लोगों को ये पता चले कि कैसे मैंने ये होम डेकोर बनाया हुआ है। और ये इतना डिफ़िकल्ट काम भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। आप लोग आटा गूंदते हो, वैसे ही आटा गूंदने का तरीका है, ये वॉल पुट्टी का डो बनाओगे, फिर वॉल पुट्टी के डो से आप डिफरेंट शेप देके उसको बस सूखने के लिए छोड़ दीजिए, वो एक होम डेकोर हो गया, उसको कलर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं मैंने अब तक क्या क्या बनाया है
और किस चीज़ से बनाया है। मैं आपको इंडिविजुअली एक एक चीज़ दिखाती हूँ और आगे चल के जितना भी मैं अपना वीडियो बनाऊँगी वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ, कैसे प्रॉपर वे में हम वॉल पुटी का डो बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर वॉल पुटी प्रिफर करती हूँ क्योंकि उससे वो कम्फर्टेबल होता है करने के लिए। अब तक मैं जो बना चुकी हूँ फिर से तो मैं आपको बना के नहीं दिखा सकती, लेकिन कैसे बनाई हूँ मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ, आप उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे का जितना भी वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखिए मैं कितना सारा ये जो प्रोडक्ट है मैंने बनाया हुआ है होम डेकोर। ये जो आप देख रहे हैं दो स्वान का जोड़ा, ये मेरा पहला डेकोर है। ये मैंने थर्मोकॉल से बनाया हुआ है, इसके ऊपर वॉल पुट्टी का डो से मैंने इसको फिनिशिंग किया हुआ है। फिदर भी वॉल पुट्टी के डो से बनाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक्रिलिक पर्ल कलर दिया है, गोल्डन कलर का टचअप दिया हुआ है। फिर ये एक मछली की जैसे मैंने बनाया हुआ है। देखिए इसका जो ये जो फ्लावर मैंने बनाया हुआ है, ये फ्लावर भी वॉल पुट्टी से ही बना है, ये भी वही थर्मोकॉल से, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये पूरा वॉल पुट्टी से बना है। ये थर्मोकॉल में इसी डिज़ाइन का एक स्ट्रक्चर मैंने काट लिया है, फिर पुट्टी को लिक्विड से वाटर से मिला के उसको उस पेस्ट को डाल के ये मैंने बनाया। मैं आगे चल के जो भी होम डेकोर बनाऊंगी मैं उसका प्रॉपर आपको प्रोसीजर दिखा दूंगी, ठीक है। फिर देखिए ये एक स्टार मून का शेप के वो ये इसको मैंने जो कार्डबोर्ड आता है कार्डबोर्ड को कट करके उसके ऊपर वॉल पुट्टी डाल के मैंने इसका बेस बना के बनाया हुआ है। फिर ये देखिए ये भी वही थर्मोकॉल से बना है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड से कार्डबोर्ड वॉल पुट्टी कलर, ये पूरा वॉल पुट्टी से बना है, ठीक है। ये देखिए ये जो एक फ्लावर वर्स है, ये फ्लावर वर्स मैंने अनयूज बॉटल जो आता है जूस का बॉटल जो आता है उसी बॉटल को बॉटल के ऊपर मैंने इसको वॉल पुट्टी डाल के इसको शेप दिया है। इसके ऊपर एक फ्लावर भी वॉल पुट्टी से बना है। देखिए वॉल पुट्टी से कितने अच्छे तरीके से फ्लावर भी बन सकता है, देखिए ओके। यही सेम डेकोर इसी टाइप का ही डेकोर, कलर कम्बिनेशन थोड़ा लाइट था उसका, मैंने होम सेटर में देखा था। इसका प्राइस था 1500, लेकिन मैंने इसको बनाया है आप हार्डली मान लीजिए 30-40 रुपए में ये बन गया है। कहाँ 1500 रुपए और कहाँ 30-40 रुपए, आप ही इमेजिन कीजिए। फिर ये देखिए एक डेकोर क्रिसमस के लिए स्पेशली मेरे बच्ची की डिमांड पे मैंने बनाया था। ये सैनिटाइजर का एक बॉटल से बना है और ये आप जो न्यूज़पेपर को रैप करके उसके ऊपर वॉल पुट्टी डाल के ये बनाया हुआ है। फिर ये देखिए ये बॉटल के ऊपर मैंने वॉल पुट्टी और ग्लासेस का वर्क किया हुआ है। कलर भी मेरे भी बेटी का फेवरेट कलर रेनबो है तो रेनबो का कलर दे दिया है। ये भी वैसे ही वॉल कार्डबोर्ड से बना है, ठीक है। ये जो चिड़िया का घोंसला देख रहे हैं उसका घोंसला बना है पॉन्ड्स पाउडर जो ख़त्म हो जाता है पाउडर के बॉटल से और बाकी सब कार्डबोर्ड से। ये जो बॉटल है ये सैनिटाइजर का एक बॉटल पड़ा था उसको मैंने काट लिया है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर को रोल करके इसको फेविकॉल में अटैच करके उसके ऊपर वॉल पुट्टी का एक लेयर दे दिया है, उसके ऊपर कलर पूरा रस्टी फिनिश आ रहा है ना, जैसे मतलब मार्केट में मिलता है वैसे ही। ये एक फ्लावर वेस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं या इसमें पेंसिल वगैरह कलर वगैरह अगर उसको पेंसिल स्टैंड जैसे हम बना भी सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कार्डबोर्ड में मैंने एक स्टैंड की तरह बनाया हुआ है, देखिए
ये मेरे बच्ची के एक एक्टिविटी में आया था, एक उसको उसका फ्रेम लेके मैंने बनाया हुआ है। ये जो है ये किससे बना है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये किससे बना है। पॉपकॉर्न का जो बॉकेट आता है उसी बॉकेट को मैंने उल्टा के लगा के इसको मैंने एक फ्लावर वास की तरह यूज़ किया है। देखिए कितना स्ट्रांग है। ओके, तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, आगे के जितने भी वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसमें मैं आपको प्रॉपर वे में बता सकती हूँ कि कैसे आप इस जितने भी सारे मैंने डेकोर बनाए हैं इसी तरीके के डेकोर आप कैसे खुद से अपने घर में इजीली बना सकेंगे। थैंक यू।